नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। मुझे उम्मीद है कि आप इस शो का इंतजार करते हैं, आपको पसंद आता है, आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं और इससे हौसला बढ़ता है। आज वो बात करेंगे जो कांग्रेस की असलियत की पड़ताल की तरफ जाएगी। आज से 139 साल पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना हुई और उस बैठक में कुल 72 लोग शामिल थे। आजादी के बाद कांग्रेस ने चुनाव की राजनीति में कदम रखा और देश के पहले चुनाव जो 1952 में हुए 497 सीटों के लिए, उसमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, प्रचंड जीत। पहले चुनाव के 67 साल बाद 2019 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को महज 52 सीटों पर आना पड़ा, सिमटना पड़ा। 1952 की सीटों के मुकाबले सिर्फ 15% सीटें 67 साल के भीतर। अब 2024 के चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनावों से पहले कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे पार्टी से बाहर आ रहे हैं और ज्यादातर बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं गौरव बल्लभ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, मजबूत आवाज पार्टी की तरफ से वो पायेदार आवाज थे जो बीजेपी और कांग्रेस के विरोधियों का लगातार मुकाबला करते। जैसे रोहन गुप्ता, यह भी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। गौरव वल्लभ की तरफ बीजेपी में रोहन गुप्ता आए। इंडिया न्यूज से बातचीत में गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए और कुछ आरोप भी लगाए। गौरव वल्लभ पढ़े लिखे, सुलझे और संतुलित नेता हैं, माने जाते हैं, इसलिए हमें लगा कि उनकी बातों की पड़ताल की जानी चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष में अभी भी सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस की असलियत क्या है, वो जो राजनीति करती है उसके पीछे जो लोग प्रबंधन का काम करते हैं, जो रणनीति तैयार करते हैं, वो कौन से लोग हैं और पार्टी कहां खड़ी है। गौरव वल्लभ के आरोपों को या उनके दावों को आज हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे और उनकी सच्चाई जानने के लिए जो वाजिब सोर्सेस हैं उनके जरिए परखने की कोशिश करेंगे। गौरव वल्लभ का इंडिया न्यूज के साथ मेरे साथ इंटरव्यू में जो पहला दावा था या आरोप भी आप कह सकते हैं, वो क्या था, उसे आप अब सुनिए। कांग्रेस की सबसे शीर्ष संस्था है वर्किंग कमेटी, लगभग 100 मेंबर है उसमें, कुछ लोग हैं परमानेंट मेंबर, कुछ स्पेशल इनवाइटी, कुछ मेंबर। 100 में से मात्र 3 या 4 लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो अपनी रिसर्च टीम से चेक कराओ। क्यों क्यों नहीं लड़ते, डरते हो? राहुल गांधी जी तो कहते हैं डरो मत, तुम डरते हो, इसका मतलब तुम कांग्रेस को ही नहीं मानते। राहुल गांधी जी को भी मैंने कहा जब आप बोलो डरो मत, सबसे पहले तो इनको समझाओ कि डरो मत। क्यों नहीं लड़ता? क्यों हमारा ट्रेजरर डर के मार के दुबक के बैठा हुआ, लड़ चुनाव। क्यों हमारे जनरल सेक्रेटरी दुबक के बैठे हुए, लड़ो चुनाव। क्यों हमारे मुख्यमंत्री, हारे हुए मुख्यमंत्री सिवाय भूपेश बघेल जी के, क्यों नहीं लड़ते? क्यों राजस्थान का मुख्यमंत्री डरता है भूतपूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने से? क्यों दूसरे राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने से डरते हैं? नहीं लड़ते हैं, डरते हैं, हारने से डरते हैं, हारने से। गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर जितने भी कद्दावर दिग्गज नेता आपको दिखते हैं, महासचिव हो, सचिव हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, यह सब चुनाव में उतरना नहीं चाहते हैं। इनको उस बात का डर रहता है कि चुनाव हार जाएंगे और साख पर बट्टा लग जाएगा। इसकी पड़ताल करने के लिए मैं रेणु मित्तल जी को जोड़ना चाहता हूं। आज इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता, सीनियर जर्नलिस्ट रेणु मित्तल, हमारे राजस्थान चैनल के संपादक मनु शर्मा और हमारी सहयोगी कनिका कटियार भी जुड़ेंगी। रेणु जी, पहले इंडिया न्यूज़ पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो गौरव बल्लभ कह रहे हैं, चूंकि कांग्रेस आप रग रग जानती हैं, उस पार्टी के अंदर बाहर सब कुछ आपको मालूम होता है, गौरव वल्लभ जो कह रहे हैं आपने सुना होगा, सच कितना है?
देखिए, मैं शुरुआत कहना चाहूंगी कि गौरव वल्लभ जो है उनका जो पॉलिटिकल अस्तित्व है वो कांग्रेस ने उनको दिया। टैलेंटेड आदमी था, एक्सएलआर से आया और उनको जो है कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मंच दिया। जब बजट आता था तो ये बैठते थे चिदम्बरम के साथ और ये बैठ के अपना हिंदी में बात बात करते थे, अनुवाद करते थे। इसमें जो है मैं देखती हूँ कि गौरव वल्लभ की बहुत सारा एक बहुत अच्छा माहौल बना पार्टी में उनके लिए। पर अब जिस तरह से वो हर चैनल पे जाके कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही छोटी नहीं, और रेणु जी मैं गौरव वल्लभ के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ना जानना है मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि गौरव वल्लभ पार्टी के भीतर रहते हुए जो महसूस करते रहे, उनके बाहर आने का जो कारण रहा है, उनमें से एक कारण यह भी है कि पार्टी भटकी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पार्टी के जो दिग्गज बड़े नेता हैं वो क्या चुनाव लड़ने से डरते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है। देखिए गौरव वल्लभ ने जो बात कही है उसमें बहुत सारी बातें सच है। एक तो ये कि कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कमजोर हो गई है कि वो चुनाव लड़वा ही नहीं सकते नेताओं को, जो बड़े बड़े रीजनल सत्रप्स कहते हैं जिनको, जो बड़े मठाधीश हो गए हैं, जो अपनी स्टेट से पैसा बना रहे हैं और जो पैसा सेंटर को भेज रहे हैं, जो लीडरशिप है, तो इसमें उनका वो जो चाहते हैं वो करते हैं। अशोक गहलोत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अशोक गहलोत बहुत करीबी, गौरव वल्लभ बहुत करीबी माने जाते थे अशोक गहलोत के। जब कोई क्राइसिस आता था तो उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं अशोक गहलोत के सपोर्ट में। आज वो अशोक गहलोत को गाली दे रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि उनको चुनाव लड़वाया गया राजस्थान से। कुछ सीनियर रेणु जी, मैं बारी बारी से आता रहूंगा। एक सवाल का आपने सही जवाब दिया, आपने कहा कि हाँ गौरव वल्लभ सही कह रहे हैं कि पार्टी के दिग्गज बड़े नेता चुनाव लड़ने से डरते हैं। आलोक जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए वैसे सही है कि वो गौरव वल्लभ अशोक गहलोत के करीबी थे, जोधपुर के रहने वाले, उनको चुनाव लड़ाया उदयपुर में, ये पार्टी का निर्णय था, एहसान नहीं किया। रेणु जी से मैं थोड़ा असहमत हूँ। जब पार्टी किसी को उपयोग लायक मानती है तब यूज करती है। हमें आपको भी, आपने राणा जी क्यों बुलाया, कि हमारा कोई उपयोग हो सकता है। इसलिए ये कहना कि केवल आपने एहसान किया ऐसा नहीं है, जिनको जरूरत होती है वो करती है पार्टी में। और जिस तरह जयराम रमेश में नाम लूंगा ना, जयराम रमेश कितने चुनाव लड़े हैं, पंचायत का भी नहीं लड़े जो गौरव वल्लभ ने कहा। वैसे तो मनमोहन सिंह जी एक साउथ दिल्ली में लड़े थे लेकिन वो हार गए, इसलिए वो कभी लड़े नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बन गए और असम के आते थे राज्यसभा से जी। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव न लड़ने वालों की इतनी कतार है। और अशोक गहलोत का कारण भी मैं बताया था, अशोक गहलोत भी जब शुरू में कुछ भी नहीं थे तब से मैं उनको जानता हूँ। अशोक गहलोत अपने बेटे को लड़ाना चाहते, अपने बेटे का प्रतिद्वंदी गौरव वल्लभ न बने इसलिए इसको उदयपुर भेज दिया। हाईकमांड भी उसके लिए सहमत हो गया और उनको कहा कि नहीं, वो ब्राह्मण वहां पर है इसलिए भेज दिया। और हार के जानते हुए भी बेचारा वहां जाकर के लड़ा, पार्टी के नाम पर लड़ा, और इसलिए कि सनातन और हिंदुओं के खिलाफ इतना ज्यादा इन लोगों ने बोला। मैं इन कंपनी और उनके जितने आलोक जी, चूंकि ये सब लोग ना लड़ गौरव सकते के बहुत सारे दावे हैं या उनको हम आरोप भी कह सकते हैं, चूंकि टुकड़ों में है तो एक सनातन